आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रधान राजवाला के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी तथा भारी तादाद में गिरफ्तारियां दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए राजीव चौक पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मचारी साइड पर बैठकर नजारा देखते रहे। इस मौके पर प्रधान राजवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार अब भी नहीं जागी तो उन्हें 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जितवाकर भेजा था, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उसी तरह से हरियाणा सरकार और भारत सरकार को 2019 में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। आज हमें 13वां दिन है यहाँ पे धरना देते देते। अपने क्षेत्र के सारे विधायकों सबको हमने ज्ञापन सौंप दिया और हमने शांति पूर्वक धरना दिया, लेकिन आज हम अपनी गिरफ्तारी सरकार को देना चाहते हैं। उनको हमने हर तरीके से जगा लिया, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। किसी से कोई हमारे राष्ट्रीय लेवल या मतलब राज्य स्तरीय लेवल से कोई बुलावा नहीं आया। किसी ने हमको ये नहीं पूछा कि क्या पानी पानी वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगवाती है, ये यहाँ पे बैठी है, ये कि किसी की बेटी और बहने और किसी की कुछ नहीं लगती, तो सरकार हमारे द्वारा ये योजनाओं को क्रियान्वयन करके अमली जमा पहनाती है। आज वही यहाँ पे परेशान है। हम ये कह देना चाहते हैं सरकार को कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करे, वरना अब ये दुर्गा रूप होकर चंडी रूप का धारण करने वाली है।